हेलो एवरीवन, हाउ आर यू चिल्ड्रन? यस्टरडे यू हैव सीन माय वीडियो। आई हैव स्टार्टेड द सेकंड चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, द डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो आई हैव गिवन यू द मीनिंग ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। इट मीन्स द पीपल दोज हु बिलोंग टू द डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, तो इट डिफरेंट जेंडर, कास्ट, तो उनके साथ सोसाइटी में भेदभाव होना। And I have told you the prejudice also. Prejudice means that the people, those who create a negative aspect towards another people, towards the other people, जो एक negative aspect रखते हैं दूसरे लोगों के प्रति। For example, अगर हम लें कि if I या we can speak English and the other person cannot speak English, तो we see of that person as inferior। हम उसको छोटा महसूस करेंगे कि see that person, that child cannot speak in English, देखो वो English में नहीं बोल सकता। तो ये जो thinking लोगों के अंदर होती है, that thinking we can say the prejudice। उस तरह के लोगों को हम prejudice बोल सकते हैं। तो today I will tell you about the stereotypes। कुछ लोग stereotypes भी होते हैं। अब stereotypes कौन होते हैं कि that those started the difference between the genders, बिटवीन द कास्ट, जो जेंडर्स के बीच में डिफरेंस करते हैं, जैसे बॉयज़ और गर्ल्स, कल मैंने आपको बताया, जो कास्ट के बीच में डिफरेंस करते हैं कि सम आर बिलोंग टू अ हायर क्लास, सम आर बिलोंग टू लोअर कास्ट, तो दीज टाइप ऑफ पीपल आर द स्टीरियोटाइप्स। तो स्टीरियोटाइप अफेक्ट ऑल ऑफ अस, दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। वो हम लोग को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, एंड दे अफेक्ट ऑल, वो हम लोगों को अफेक्ट करते हैं। इट मीन्स कि बॉयज़ एंड गर्ल्स, इफ़ दे आर इन अ वन फैमिली, और वहाँ अगर उस फैमिली में कोई स्टीरियोटाइप पर्सन है, तो दैट पर्सन डेफिनेटली विल डू द डिफरेंस बिटवीन द जेंडर, बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल। वो पर्सन लड़कियों और लड़कों में जरूर डिफरेंस करेगा इफ़ दैट पर्सन इज़ हैविंग द थिंकिंग लाइक स्टीरियोटाइप्स, कि गर्ल्स शुड बी इनसाइड द हाउस एंड द बॉय शुड कैन या कैन गो आउट फ्रॉम द हाउस टू डू द वर्क, टू फॉर द स्टडी एट्सेट्रा। तो स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल विद हिज और हर ओन स्पेशल क्वालिटीज एंड स्किल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो स्टीरियोटाइप जो लोग होते हैं, वो हमें रोकते हैं टू सी द अदर्स क्वालिटी। सपोज फॉर एग्जाम्पल, इफ वन पर्सन इन अवर फैमिली विच इज़ द स्टीरियोटाइप्स एंड द जेंडर, द बॉय एंड गर्ल, सेम एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, कि लड़के और लड़कियों में वो डिफरेंस करते हैं, तो इफ़ द गर्ल इज़ मच क्वालिटेटिव, उसमें बहुत ज़्यादा गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं अदर देन द बॉयज़, बट द पर्सन दोज हु इज़ स्टीरियोटाइप, वो उस लड़की के किसी भी क्वालिटी को प्रमोट नहीं करेगा, स्टॉप करेगा, और दूसरों से भी यही कहेगा कि दैट गर्ल इज़ नॉट having the quality for the study, the boy is having the quality for his study. So this type of people are the stereotypes people, and they fit large number of people into only one pattern or type. Or wo jo stereotypes log hote hain, wo ek thinking bana lete hain apne andar ki yes, that person is a negative person, this person cannot do anything, that person is belong to the lower caste, this is the girl, लड़कियाँ घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, तो इस टाइप की थिंकिंग वो अपने अंदर बना लेते हैं। तो दैट पीपल आर नोन एज द वॉट, स्टीरियोटाइप्स पीपल। तो इसी तरह हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है, यही सब चीज़ें हमारी डिस्क्रिमिनेट करती हैं हमारी सोसाइटी में, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, यही सब भेदभाव होता है। पढ़ाई के लिए हो गया, हिंदी स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग के बीच में डिफरेंसेज हो गए, कल्चर डिफरेंसेज हो गए, दीज ऑल आर द डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे प्रिजुडाइज और हमारे स्टीरियोटाइप्स लोग करते हैं। तो इट मीन्स कि ट्रीटिंग अ पर्सन अनफेयरली, स्पेशली ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, एज एंड जेंडर। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि दैट ट्रीटिंग अ पर्सन अनफेयरली, ऐसे व्यक्ति को ट्रीट करना अनफेयरली, यू कैन अंडरस्टैंड कि उसके साथ न्याय न होना, अनजस्टिस होना, स्पेशली ऑन द ग्राउंड ऑफ, किसके नाम पर, एज के नाम पर, कोई बूढ़ा है कोई जवान है, जेंडर के नाम पर कि बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं, एंड कलर के नाम पर, गोरा है काला है, कास्ट के नाम पर, लोअर कास्ट अपर कास्ट, तो दैट इज़ द डिस्क्रिमिनेशन। तो इट हैपन्स वेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स। तो डिस्क्रिमिनेशन तभी होता है वेन वी आर हैविंग द पीपल दोज हु हैव द थिंकिंग लाइक स्टीरियोटाइप्स एंड द प्रिजुडाइज, तभी डिस्क्रिमिनेशन होगा, अदरवाइज देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। एंड नाउअडेज वी आर गेटिंग द एजुकेशन, एवरी पर्सन इज एजुकेटेड, अवर नानी दादीज दादाज ऑल
ऑल आर द एजुकेटेड पर्सन, तो इट मीन्स कि स्टीरियोटाइप्स एंड प्रिजुडाइज पीपल आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, वो खत्म होते जा रहे हैं, एंड देन सो दैट डिस्क्रिमिनेशन आर ऑल्सो गोइंग टू स्टॉप इन अवर सोसाइटी. बट आज भी कुछ लोग देखने को मिल सकते हैं, तो दैट इज इन अवर सोसाइटी ऑल्सो, तो दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन. तो नेक्स्ट इज योर कि वॉट इज इनइक्वलिटी. अब इनइक्वलिटी को मैंने आपको डिस्क्रिमिनेशन किस किस के बीच में बताया, बिटवीन द कास्ट, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, बिटवीन द जेंडर, गर्ल्स एंड बॉयज, बिटवीन द कल्चर, बिटवीन द एज ऑल्सो एंड द कास्ट ऑल्सो. तो ये सब हमारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं. बट एक और चीज़ होती है जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, विच इज़ इनइक्वलिटी. जो हमारी इनइक्वलिटी होती है, द पीपल आर इनइक्वल इन अवर सोसाइटी, सम आर रिच, सम आर पुअर, एंड दे आर रिच एंड पुअर अकॉर्डिंग टू देयर सैलरी, अकॉर्डिंग टू देयर इनकम. तो वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट टू ईच अदर कि दैट पर्सन इज रिच, दैट पर्सन इज पुअर. बट उसके बाद भी सम पीपल दोज आर हैविंग द प्रिजुडाइज इन अवर सोसाइटी, सम आर द स्टीरियोटाइप्स, तो वो अभी भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इनइक्वलिटी के बेस पर. फॉर एग्जाम्पल कि द अनफेयर सिचुएशन इन अवर सोसाइटी व्हेन सम पीपल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज एंड सम आर नॉट हैविंग एनी अपॉर्चुनिटी. तो कुछ अनफेयर सिचुएशन हमारी सोसाइटी में आज भी बन जाती हैं. द पीपल दोज हैविंग द अपॉर्चुनिटी, जिनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी 1 लाख सैलरी है, 50,000 सैलरी है, एंड अदर पीपल दोज नॉट हैविंग दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिनके कुछ हमारे सब्जी बेचते हैं, कुछ फल बेचते हैं, ऐसे वेंडर्स होते हैं, अखबार बेचते हैं, तो दे आर नॉट हैविंग द इनकम लाइक दैट. तो ये एक इनइक्वलिटी आ जाती है, द रिच एंड पुअर, ये एक इनइक्वलिटी हमारे देश में है, रिच एंड पुअर. तो द पीपल दोज आर एजुकेटेड, दे आर नॉट थिंकिंग दिस टाइप ऑफ इनइक्वलिटी कि यस दिस पर्सन इज सेलिंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड आई एम द ऑफिसर ऑफ दैट कंपनी. तो जो एजुकेटेड होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं. बट उसके बाद भी सम इनइक्वलिटी इन अवर सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल कि पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज. जो लोग गरीब होते हैं उनके पास मच रिसोर्सेज नहीं होती है, उनके पास मनी नहीं होती है चीज़ें खरीदने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए पैसा नहीं होता है, और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, और ना ही उनके पास इतना पैसा होता है कि वो अपनी लाइफ की फूड जो एक बेसिक नीड है उसको कम्प्लीट कर सकें, क्लोथिंग, शेल्टर, इस चीज़ को कम्प्लीट कर सकें. तो ये इनइक्वलिटी हमारी सोसाइटी में आज भी है टुडे. तो दैट इज़ ऑल्सो द डिस्क्रिमिनेशन इन अवर सोसाइटी. तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में है. The people, those who think ki yes this person is the poor person not having the money and I am the richest person, bahut logon ke andar ye feeling hoti hai, those who having the feeling of stereotypes and prejudice, so it means they are thinking about these type of people. To tab hamara inequality ke zariye hamara discrimination hota hai hamari society mein. And who are treated एज बोथ डिस्क्रिमिनेटेड एंड अनइक्वली, और कौन लोग होते हैं या कैसे वो ट्रीट किए जाते हैं इनइक्वलिटी की, जैसे ट्राइबल्स, सम रिलीजियस ग्रुप्स एंड इवन पर्टिकुलर रिलीजन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ दीज रीजन्स. तो किस तरह से इनइक्वलिटी, एक तो मैंने आपको बताई इनइक्वलिटी इन अवर सोसाइटी बिटवीन रिच एंड पुअर. द अदर इनइक्वलिटी फॉर एग्जाम्पल द ट्राइबल्स, जो हमारे देश में थे. ट्राइबल्स मीन्स दोज हु द ग्रुप ऑफ पीपल दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट एरिया, देयर कल्चर, देयर ट्रेडिशन, ऑल द थिंग्स वर डिफरेंट, एंड इवन पर्टिकुलर रिलीजन. और ऐसे लोग जो एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक धर्म को मानते हैं, तो दे कैन बी डिस्क्रिमिनेट इन द सोसाइटी बाय अदर पीपल. वो दूसरे लोगों के द्वारा डिस्क्रिमिनेट हो सकते हैं किसी भी सोसाइटी में, लाइक इंडियन सोसाइटी या एनी अदर सोसाइटी. दे कैन बी डिस्क्रिमिनेट दोज हु आर नॉट मच एजुकेटेड देन अदर्स, दोज हु आर नॉट मच रिच देन अदर्स, दोज हु आर नॉट हैविंग गुड अपॉर्चुनिटीज देन अदर्स, दोज आर नॉट हैविंग द गुड क्वालिटीज देन अदर्स, डिफरेंट रिलीजन. तो ये सब चीज़ें जो हमें एक दूसरे से अलग करती हैं, डिफरेंट करती हैं, अनइक्वल करती हैं, तो इट मीन्स कि इन्हीं चीज़ों की वजह से द पीपल आर डिस्क्रिमिनेट इन द सोसाइटी. तो नाउ That's all for today. तो I hope you can understand कि what is discrimination और वो किन किन वजह से होता है, उसके क्या reasons होते हैं discrimination के. तो you read your chapter carefully. आप अपने chapter को carefully पढ़ेंगे, and if you have any query तो you can ask on my personal number, and please give the review on my video.
that you can understand or not, and thank you.